अस्सलाम वालेकुम। तो वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। और आज सैटरडे है और टाइम आप देखें तो 4:45 है सुबह के, और अभी नमाज़ वगैरह पढ़ के फ्री हो चुके हैं और ऑफिशियल एक गैदरिंग है कोलीग्स वगैरह के साथ। दोबारा से हाइकिंग का प्लान है और उसके बाद नाश्ता वगैरह करेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना दोबारा से व्लॉग किया जाए, तो चलिए अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो रेडी शेडी होके बस घर से निकलने लगे हैं और साथ ये बैग भी रख लिया हमने, जिसमें पानी वगैरह और सेल्फी स्टिक और कुछ और चीज़ें जो साथ रख ली थी। ये चेक करें, सुबह सुबह सूरज निकलने का जो नज़ारा होता है इतना खूबसूरत। तो तकरीबन सब लोग ही पहुंच चुके हैं और खाने पीने के लिए हमने केले वगैरह और कुछ ले लिए थे, तो ये सब में डिवाइड किए जाते टाइम ही, और पानी भी सब ने अपना अपना रख लिया था। पीछे हो जाने पर अच्छा, तो हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी टाइम जो है वो 5:50 सुबह के, और आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग जो हैं वो हाइकिंग के लिए जा रहे हैं। सुबह सुबह हाइकिंग करने का एक मज़ा ये भी है कि आपको तरह तरह के परिंदों की आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। ये हमारा इस बंदे की वजह से जो है ना अब लाइक्स नहीं आएंगे मुझे। ये हमारा स्क्वाड है कंप्लीट, बॉसेज आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे हम लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, जिन लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा ट्रेल 5 का, तो उन्हें तो पता होगा कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका हूँ। तो अभी चूँकि कोलीग्स थे सारे, उनका प्लान था दिल था, तो फिर यही ट्रैक हमने चूज़ किया, क्योंकि 2-3 ट्रैक्स जो हैं वो बंद किए हुए हैं इस्लामाबाद ने लेपर्ड की वजह से। तो मोस्टली लोग जो यहीं पे आते हैं, जैसे देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इसी ट्रेल पे हाइकिंग कर रहे हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो फाइनली हम 1 घंटे के हाइक के बाद ट्रेल 5 के बिल्कुल टॉप पर पहुँच चुके हैं, और मेरी बैक साइड पर आपको इस्लामाबाद का व्यू नज़र आ रहा होगा। और हम लोग 12 से 13 लोग चले थे, कुछ नीचे ही रह गए, ऊपर नहीं पहुंच सके, इसमें से हम जो हैं 8 से 9 लोग हैं जिन्होंने अचीव कर लिया ट्रैक। काफ़ी स्टीप भी थी रास्ते में, लेकिन ये है कि 1 घंटे की हाइक से रिकॉर्ड भी हमने कायम कर दिया। लास्ट टाइम मैं आया था तो तकरीबन 1.5 घंटा लगा था ऊपर आते आते, लेकिन अभी ये है कि पिछली बार से थोड़ा सा टाइम जो है वो कम लगा और 1 घंटे में हम लोग ऊपर पहुँच चुके हैं। और ये हमारी टीम है जिन्होंने सबमिट कर लिया है ट्रेल 5, और ये बैक साइड भी आपको इस्लामाबाद का व्यू नज़र आ रहा होगा। तो इस टाइम सूरज भी बिल्कुल अपने अरूज पे है, और बिल्कुल धूप की वजह से और गर्मी की वजह से बिल्कुल हमारी जो है वो ख़त्म हो चुकी है एनर्जी भी, स्टेमिना बिल्कुल डाउन हो चुका है। और अब हम वापस जा रहे हैं, इसके बाद देखते हैं नीचे पहुंच के इस्लामाबाद में फिर कोई नाश्ता वगैरह देखते हैं, कुछ सीन करते हैं नाश्ते का। लेकिन हमने टूर बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया, टूर बहुत ज़बरदस्त रहा, बहुत ज़बरदस्त हाइक रही, गपशप की अच्छी गपशप हुई और बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। तो चलिए कनेक्टेड रहिए साथ ही, इंशाल्लाह आपको नाश्ते पर मिलते हैं। Few moments later. तो जी ट्रेल से वापसी पे ये कमर्शियल मार्केट में रिफ्रेशमेंट सेंटर है, वहाँ पे हम लोगों ने नाश्ते का अरेंजमेंट किया
और ये देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त हलवा पूड़ी लगा रहे हैं। तो नाश्ते के लिए हमने मंगवा लिया का सामान, जिसमें निहारी थी, हलवा पूड़ी, चने और काफ़ी चीज़ें थी। तो चलिए निहारी टेस्ट करते हैं। शक्ल से तो लग रही ठीक ही है, लेकिन चलें टेस्ट करके देखते हैं। मज़ेदार। निहारी इनकी काफ़ी स्पाइसी थी, तो इसके साथ साथ मीठी लस्सी तो बनती है। तो ये रहा आज का हमारा व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।